नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एनसीईआरटीज एंड न्यू एनसीईआरटीज, या कौन सी बुक पढ़ी जाए अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट रहता है कि कौन सी एनसीईआरटीज अच्छी है, ओल्ड एनसीईआरटीज अच्छी है या फिर न्यू एनसीईआरटीज अच्छी है, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या केवल और केवल ओल्ड एनसीईआरटी ही सफिशियंट है या फिर न्यू एनसीईआरटीज भी पढ़ना जरूरी है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जो उत्तर है मैं आपको अब देने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैंने चूज किया है वो चूज किया है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड एनसीईआरटीज की। आप लोगों ने नाम सुने होंगे आर एस शर्मा, बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र। तो देखिए ये जो सारी एनसीईआरटीज है ये ओल्ड एनसीईआरटीज है जिनके ये ऑथर के नाम है। तो आप देखिए ये जो बुक्स है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन अब ये जो बुक्स है वो मार्केट में नहीं मिलती है। कौन सी ओल्ड एनसीईआरटीज जो इन ऑथर द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो ये एनसीईआरटीज है ये बहुत ही जरूरी है पढ़ना, क्योंकि जो इसका कंटेंट है ये बहुत ही अच्छा दिया गया है। और ऐसे कई टॉपर्स है जो सजेस्ट करते हैं आपको कि ये बुक्स आपका पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाती है जो बुक स्टोर से वहां पर, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको पीडीएफ्स नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन साइट फॉर एग्जांपल अमेजोन से भी इनको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको अमेजोन पर भी नहीं मिलती है तो आप इन बुक्स को खरीद सकते हो। कौन सी बुक्स को, ये बुक्स एंशियंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा और आधुनिक भारत की कौन सी बिपिन चंद्र, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो कि अब डिफरेंट पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। ऐसी मेडिवल हिस्ट्री की आती है सतीश चंद्र। अगर आपको ऑनलाइन भी बुक्स नहीं मिलती है ओल्ड एनसीईआरटीज और अगर आपको पीडीएफ्स भी नहीं मिलती हैं तो आप इन बुक्स को ऑनलाइन खरीद सकते हो। ये थोड़ी महंगी आएंगी कंपेयर करें अगर उन बुक्स से, पर इनका जो कंटेंट है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रही हूँ, तो दोस्तों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो आपको सेम कंटेंट नहीं मिलेगा, पर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप इसकी समरी बनाए तो इन बुक्स का जो कंटेंट है वो सेम ही है। किससे, एनसीईआरटी से। कौन सी एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से। तो अगर आपको वो बुक्स नहीं मिल रही है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन बुक्स को खरीद सकते हो, ये कोई भी बुक स्टोर पे मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं क्या हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटीज पढ़ना जरूरी है, तो इसका जो जवाब है वो है हाँ, आपको हिस्ट्री के लिए न्यू एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर 11वीं और 12वीं की न्यू एनसीईआरटीज। आप देख सकते हैं कौन कौन सी, ये देखिए मेरे पास है 11वीं 12वीं कक्षा 12 के लिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग एक, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग दो, ये भाग एक है, ये भाग दो है, ये कक्षा 12वीं की पुस्तक है। और ऐसे ही आता है आपका भाग तीन, और उसी तरीके से कक्षा 11 के लिए विश्व इतिहास के कुछ विषय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। तो ये जो एनसीईआरटीज है ये न्यू एनसीईआरटीज है, तो आपको 11वीं और 12वीं की न्यू एनसीईआरटीज पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भी बहुत सारा कंटेंट आपका कवर करती हैं और इसका कंटेंट भी बहुत ही अच्छा है। तो आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ो और न्यू एनसीईआरटीज भी आपको ये पढ़नी चाहिए। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की ओर। जफी उसको बताने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाह रही हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीएससी सीएससी का सिलेबस होता है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है, और हर पर्सन के लिए याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा टॉपिक उसने कवर किया है और कौन सा टॉपिक उसका छूट गया है। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ अब, और इसका सॉल्यूशन है ये ऐप
जिसका नाम है ट्रैकी आईएएस, जो आपको आपके सिलेबस को कवर करने में मदद करेगी। ये ऐप बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, जो आपको बताती है कि कौन सा टॉपिक आपका कवर हुआ है और कौन सा टॉपिक आपका कवर नहीं हुआ है। इसमें आप मार्क करके भी रख सकते हैं ताकि आपसे कोई भी टॉपिक्स छूटे ना। तो आपको ये बता भी देगी कि कितना आपका कंप्लीट हो चुका है और कितना आपका बचा है। इसके साथ साथ ये आपको रेफरेंस बुक भी सजेस्ट करती है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो अगर अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की ओर, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अब इन सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़ें? तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा आपको सजेशन है कि इन सब्जेक्ट्स के लिए आप न्यू एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो आप 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। न्यू एनसीईआरटी मेरा सजेशन इसलिए है आपको क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में क्या होता है, आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको अपडेटेड कंटेंट मिल जाता है न्यू एनसीईआरटी में, जो आपकी मदद करता है यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस बनने के लिए क्या सिलेबस है, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, ये सवाल सब पूछते हैं, पर सीधा सपाट जवाब कोई नहीं देता। स्टडी मटेरियल और फ्री वीडियोस तो मिल ही जाते हैं आजकल, पर कुछ ऐसा होता जो रोज साथ देता और सिलेबस कंप्लीट करने को मोटिवेट करता तो कितना सही रहता। कुछ ऐसा ही हाल में मेरे फ्रेंड ने फ्री मोबाइल ऐप ट्रैकी आईएएस के बारे में जाना। सबसे सही बात है, ये ऐप एक डायरी का काम करता है, मतलब पूरा हिसाब हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का हमेशा मेरे सामने, कितना कंप्लीट हुआ और कितना बचा सब रिपोर्ट बना देता है। मैं सिर्फ पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ता रहता था, बाकी सब्जेक्ट छूट जाया करते थे। रिवीजन तो दूर की बात है, पर जब से ये ऐप साथ लेकर पढ़ता हूँ सब कवर हो जाता है और पढ़ने में मजा भी आता है। टारगेट रहता है, एक एक परसेंट करके दिखता है 100 से कितना दूर हैं हम। ये देखिए, अभी तक मैंने 100 घंटे से ज्यादा ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटी हिस्ट्री एनवायरनमेंट भी 80% कंप्लीट है, करेंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है, मेंस का सिलेबस भी प्री के साथ थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा हूँ। कुल मिला के गाड़ी पटरी पर है। ट्रैकी आईएएस ऐप का स्मार्ट सिलेबस मेरे डेली सेल्फ स्टडी में सबसे जबरदस्त साथी है। मेरी मानिए तो ट्रैकी आईएएस आप भी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी ट्रैक पर लाइए। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम।